हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्सास किचन डॉट कॉम। आज मैं बनाऊंगी पास्ता, बहुत ही टेस्टी बनेगा, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ता बनाना। मैंने लिए हैं ये पास्ता, ये 125 ग्राम पास्ता है, और वैसे मैंने इसको 2 कटोरी पास्ता लिया है। तो सबसे पहले हम पास्ता को उबालने रखते हैं। गैस मैंने जला दी है और भुना रख दिया है, तो इसमें मैं 3 से 4 गिलास पानी इसमें डाल दूंगी, और आधा चम्मच नमक भी डाल देते हैं, और 1 चम्मच करीब रिफाइंड ऑयल, जिससे हमारा पास्ता चिपकेगा नहीं। तो नमक और रिफाइंड मैंने डाल दिया है, तो अब हम डाल देते हैं इसमें पास्ता को, एक बार चला देंगे। पास्ता को मैं 10 मिनट के लिए उबलने देती हूँ, जिससे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और अब देख लेते हैं हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स। पास्ता को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और आधा चम्मच लिया है मैंने नमक। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। 1 इंच लिया है मैंने अदरक, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। 8-10 मैंने ली है लहसुन की कलियाँ, इसको मैंने बारीक काट लिया है। और 1 हरी मिर्च, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। 1 बड़ा प्याज, इसको मैंने बारीक काट लिया है। हरा धनिया बारीक कटा हुआ। 1 बड़ा टमाटर लिया है, इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। और 2 शिमला मिर्च ली हैं, और इसके मैंने बीज निकाल के इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और हम लेंगे 2 से 3 चम्मच टोमेटो केचप। देखिए पास्ता में हमारे में उबाल आ चुका है, और इसे हमें इसके सॉफ्ट होने तक पकाना है। 10 मिनट हो चुकी है देखिए, और पास्ता भी हमारा उबल चुका है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। देखिए एकदम सॉफ्ट हो चुका है, तो इसे मैं छान लेती हूँ। गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी, ये मैंने एक बाउल पे छलनी रख ली है, तो इसको हम छान लेते हैं पास्ता को। पास्ता को छान के देखिए मैंने इसका पानी निकाल दिया है, सारा पानी निकल गया है, और एकदम ये चिपका नहीं है बिल्कुल भी। तो अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पास्ता बनाने के लिए मैंने कढ़ाई रख दी है, और इसमें हम 2 चम्मच करीब ऑयल डाल देंगे, और इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें हम जो लहसुन लिया था कटा हुआ, इसको इसमें डाल देंगे। साथ ही डाल देते हैं अदरक ग्रेटेड, एक बार चला देंगे। और इसे हमें हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा एकदम ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अदरक और लहसुन देखिए हल्का सा फ्राई हो गया है, तो इसी वक्त डाल देते हैं इसमें हम कटा हुआ प्याज। हरी मिर्च भी डाल देंगे, और इसे मैं अच्छे से भून लेती हूँ। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। प्याज और लहसुन देखिए हमारा हल्का सा कलर बदलने लगे हैं, तो इसी समय हम डाल देंगे जो कटा हुआ टमाटर, इसे भी मैं इसके साथ अच्छे से भून लेती हूँ। देखिए टमाटर हमारे हल्के से सॉफ्ट हो गए, तो इस समय डाल देते हैं हम ये मसाले हल्दी नमक मिर्च, और इसे मैं टमाटर के साथ अच्छे से मसालों को भी भून लेती हूँ। टमाटर और हमारे मसाले देखिए अच्छे से भून गए हैं, तो जो कटा हुआ शिमला मिर्च लिया था इसको भी इसमें डाल देंगे, और इसे मैं 1 से 2 मिनट तक मसालों के साथ अच्छे से भून लेती हूँ। अब मैं इसे ढककर 1 मिनट करीब और पकाऊंगी, जिससे हमारी शिमला मिर्च हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी। 1 से 2 मिनट हो चुकी है देखिए, और शिमला मिर्च भी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, और इसने देखिए मसाले और इसने सब्जियों ने ये तेल भी रिलीज करना शुरू कर दिया है। तो इसी समय हम डाल देंगे टोमेटो केचप 2 से 3 चम्मच, और इसे भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और ये टोमेटो केचप हमारी इसके साथ मिक्स हो गई, तो अब हम इसमें जो पास्ता लिया था इसको इसमें डाल देते हैं। पास्ता देखिए हमने डाल दिया है, इसे मैं मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। देखिए पास्ता को मैंने मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसे मैं 2 मिनट के लिए और ढक कर रख देती हूँ, और इसमें अच्छे से सारा फ्लेवर आ जाए। तो अब इसे हम 1 मिनट के लिए इस तरह से ढककर रखेंगे। पास्ता को ढके हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं।
देखिए पास्ता हमारा बनके एकदम रेडी है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे मैं एक बार चला देती हूँ और हरा धनिया इसमें डाल देंगे और इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। गर्मा गर्म पास्ता बनके हमारा तैयार है, बहुत ही टेस्टी पास्ता बना है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू।